नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सिंगापुर में ललित मोदी के दो खाते सील, जारी होगा रेड कॉर्नर नोटिस। प्रवर्तन निदेशालय को सिंगापुर में पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी की कंपनियों के दो खातों का पता चलने के बाद एजेंसी ने दोनों खातों को सील करा दिया है। इसके साथ ही ईडी ने सिंगापुर में अधिकारियों से भी संपर्क साधा है और अपील की है कि वह इन खातों की रकम को भारत भेजे। इसके जवाब में सिंगापुर के अधिकारियों ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले की जाँच के लिए मुंबई से ईडी की एक टीम सिंगापुर जाकर वहाँ के अधिकारियों से मिली थी। वहीं ईडी ने ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध भी भेज दिया है। आईएसआईएस की अब भारतीय छात्रों पर नजर। कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएसआईएस अब भारत में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। खबरों के मुताबिक वह भारत के कॉलेजों में पढ़ रहे विदेशी छात्रों को इस काम के लिए उपयोग कर सकता है। इसी के चलते पश्चिमी यूपी के कई संस्थानों में पढ़ रहे विदेशी छात्रों पर खुफिया एजेंसियां नजर रखे हुए हैं। इनमें खाड़ी देशों और अफगानिस्तान से आए छात्रों की संख्या ज्यादा है। खबरों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ सहित कई शहरों में संचालित प्रोफेशनल कोर्सेज के कॉलेजों में पढ़ रहे इन छात्रों पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय पुलिस से भी इन छात्रों पर नजर रखने को कहा गया है। मधु कोड़ा ने मनमोहन के खिलाफ दायर की अर्जी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समन जारी करने के लिए स्पेशल कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कोड़ा ने मनमोहन को बतौर आरोपी कोर्ट में पेश होने की मांग संबंधी अर्जी दी है। कोड़ा का आरोप है कि जिस समय कोयला घोटाला हुआ है उस समय के कोयला मंत्री की अनुमति के बिना किसी कोल ब्लॉक का आवंटन संभव नहीं था, क्योंकि उस समय कोयला मंत्रालय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अधीन था, इसलिए उन्हें आरोपी के तौर पर समन भेजा जाना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव को चारा घोटाला मामले में झटका। चारा घोटाला मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा एक प्राथमिकी में से कुछ आरोप हटाए जाने के विरोध में दायर की गई सीबीआई की अपील पर उच्चतम न्यायालय ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी किया है। अक्टूबर 2013 में रांची की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही अदालत ने 25 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने को भी कहा था। गायक अरिजीत सिंह को अंडरवर्ल्ड की धमकी, 5 करोड़ दो या दो शो मुफ्त में करो। रवि पुजारी गैंग ने गायक अरिजीत सिंह से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। 5 करोड़ नहीं देने पर 2 शो फ्री में करने की मांग रखी है। अरिजीत ने इस मामले की पुलिस से शिकायत करने से इनकार कर दिया है, लेकिन ओशिवारा पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। मुंबई मिरर की खबर के मुताबिक डॉन ने कहा है कि उसे अरिजीत की आवाज पसंद है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।